और ये देखो जी, एक ये बीमारी आती है ये वाली। अब जैसे पानी देने का यही है, किसी ने भी अपनी फास्ट ग्रोथ प्लांट्स की फास्ट ग्रोथ करनी है, जल्दी करनी है। इंडोर प्लांट्स का टेक केयर कैसे करते हैं, इस पर कई सारे सवाल आए थे और कई लोगों ने इसका सवाल का जवाब पूछा कि इंडोर प्लांट्स का टेक केयर कैसे करें, क्योंकि पाम ट्रीज़ जो भी होते हैं जो इंडोर हम रखते हैं वो कुछ दिनों के बाद उनके पत्ते जो होते हैं वो जलने लग जाते हैं, काले पड़ जाते हैं, सूखने लग जाते हैं और बहुत जल्दी वो प्लांट्स मर जाते हैं। आप नर्सरी से जाके आप प्लांट लेके आते हैं, उसके बाद जो उनका टेक केयर करना है वो सही तरीके से आप कर नहीं पाते। तो आज मैं आया हुआ हूँ तरुवर नर्सरी फरीदाबाद और मेरे साथ होने वाले हैं डॉक्टर SS भटोटिया, जो कि बताने वाले हैं डिटेल में कि आखिर इंडोर प्लांट्स का टेक केयर कैसे करें जिससे कि आपका जो प्लांट है वो लॉन्ग टर्म तक चले और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो आज का वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत सारा नॉलेज इन्होंने शेयर किया है इस वीडियो में। तो गाइज चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, डेली डूड्स मेरा हैंडल है, और आप मुझे अगर चैनल पर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर SS भटोटिया फरीदाबाद से, तरवर नर्सरी से। तो आज हम आपको बताएंगे जी, जैसे अब मानसून सीजन आ रहा है, बहुत से लोग बाग पेड़ों को खरीद के रख लेते हैं जी, और वो दो दो तीन तीन साल तक एक ही गमले में पड़े रहते हैं जी। एक गमले में लिमिटेड सा, जैसे ये गमला है जी, देखो इसमें लिमिटेड सी सॉइल है, ये लगता है दो साल से ऐसे ही पड़ा है। अब इसके अंदर जितना भी था सारा न्यूट्रिएंट तो इस प्लांट्स ने ले लिया। अब देखो इसके पत्ते जले हुए हैं, जिस भी प्लांट्स की टिप्स जली होंगी, जिसकी लीव्स जली होंगी, इसका मतलब प्रॉपर फीडिंग नहीं मिल रही। तो उसके लिए क्या करना है, अभी जैसे मानसून का सीज़न आ रहा है तो आपके जितने भी प्लांट्स हैं उनको सबको रिपोर्ट करिए, जो भी आपने पॉट्स में रखने हैं, ठीक है जी। उसके रिपोर्टिंग के लिए उसके दो तरीके हैं, आपने या तो प्लास्टिक पॉट में बदल सकते हो, मिट्टी के गमले में बदल सकते हो। पर बहुत से लोग कहते हैं जी प्लास्टिक पॉट में तो जी पेड़ ही नहीं चलता, लेकिन प्लास्टिक पॉट में चेड़ नहीं चलता। इसमें देखो ये, एक तो ये छेद खुले होने चाहिए, देखो ये वाले। अच्छा, बहुत से लोग आँख मीच के बंद कर देते हैं, पेड़ पता नहीं छेद खुले हैं या नहीं है, तो देखो छेद खुले हुए होने चाहिए। दूसरा, प्लास्टिक पॉट्स में ये सॉफ्ट वाली थर्मोकोल आती है जी, इसके ऐसे ऐसे टुकड़े करने जी, जैसे ऐसे 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 टुकड़े करके इसमें डाल दो जी। अब एक भाई साहब को मैंने कहा जी हम तो रिपोर्ट कर लेंगे, उसने प्लास्टिक ये ना सीट लेके इसको ऐसे कैसे रख दीजिए। तो इसके टुकड़े करने हैं आपने छोटे छोटे, और ये देखो इसके छेद को, पूरे छेद को कवर कर देना आप, ये देखो ये। इससे कोई नुकसान तो नहीं है? इससे एरेशन रहेगी, एक्सेस वाटर निकल जाएगा। हाँ। और ये जो ना ये पैक नहीं होगा, ये नीचे नहीं होगा। हाँ हाँ, ये करके साइज का छोटा होता जाता जाता है जी। थर्मोकोल तो उसके रूट जोन में रहेगी जी। हाँ हाँ हाँ। तो देखो जी ये ऐसे पूरा कवर करना है, ये देखो ये आपने डाल लिया। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, आपने मिक्सर कैसे बनाना, पॉट मिक्सर इंडोर प्लांट्स के लिए। देखो बहुत से लोग कहते हैं जी कोकोपीट डाल दिया जी, मैंने परलाइट डाल दी, वर्मी कोलाइट डाल दिया। तो मैं तो ये कहूँगा, देखो आप कोकोपीट की जगह ना जी, आप ये ना दोमट मिट्टी जिसको बोलते हैं सैंडी लोम सॉइल, वो लो, 1/3 सैंडी लोम सॉइल लो, 1/3 आप लो गोबर का खाद, या आप वर्मी कंपोस्ट जो भी लेना, जो 1/3 जो बचा है उस 1/3 में पत्तों की खाद, नीम की खली और ये कैस्टर केक अरंड की खली, और थोड़ा सा अगर आप मिला सकते हो जैसे तो कच्चा कोयला भी मिला सकते हो। कच्चा कोयला भी मिला सकते हो। तो ये चीज़ें बनाओ जी, बस इस तरह का इंग्रेडिएंट बना के। आपने अगर मान लो थर्मोकोल में, उसमें सॉरी कोकोपीट में लगा दिया, तो कोकोपीट में पहली बात तो कोकोपीट की क्वालिटी अच्छी नहीं मिलती। दूसरा, अब आपको मिल गई तो कुछ टाइम बाद आपको ये नहीं पता होता उसमें पानी देना कैसे, देना कब देना, ज़्यादा देना, तो उसकी वजह से उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है। तो बहुत से लोग कहते हैं जी हमको तो इंडोर ही लगाना है, इंडोर में जी हमारे यहाँ मिट्टी नहीं चलती, ऑफिस में डालना ही डालना। आप उसके जगह वो डालो जी परलाइट, ना सॉरी वो पीट मॉस कोकोपीट। और देखो उसमें एक सबसे बेस्ट जो मटेरियल है ना, जो आप जैसे आप कोकोपीट या पीट मॉस या कुछ भी डालते हो, परलाइट वर्मी कोलाइट की जगह ना जी, परलाइट तो एक वो होता है जी सफ़ेद, उसके एरेशन के लिए होता है, तो उसमें जो है ना थर्मोकोल, वो थर्मोकोल की गोलियाँ निकालो, ये परलाइट का काम करेगी बढ़िया जी। आपको अच्छा, पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है जी। ये देखो जी, अच्छा, यही मिक्स करते हैं। हाँ, ये उसमें मिक्स कर लो जी मिक्सर में, देखो जी एरेशन के लिए, ठीक है जी। ठीक है। या आप वो सिंडर डाल लो जी, सिंडर से जो आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट भी मिलेगा सिंडर में। हाँ। और आपको वो एरेशन भी मिलेगी। तो ये थर्मोकोल के बॉल्स है ना जी, ये परलाइट का काम करेगा जी। परलाइट के चक्कर में बहुत दुनिया बावली घूमती रहती है जी, परलाइट दिलवा दो परलाइट दिलवा दो। तो परलाइट आपके घर के आजू बाजू ही मिल जाएगी, थोड़ा ध्यान रखोगे तो। सही बात, ठीक है जी। हाँ। फिर इसके बाद में आता है जी, अब इसको कैसे अब क्या है, अब इसको
जैसे प्लास्टिक का पॉट है तो इसको आप ऐसे ऐसे मारो चारों तरफ, ये निकल जाएगा जी, ये देखो जी, ठीक है जी। अब आपने जैसे गमला है ये, तो इसको ऐसे रखो, ये एक इंच नीचे रहना चाहिए इसका लेवल, ये लेवल साइज थोड़ा सा बड़ा लेना है। हाँ हाँ, साइज इससे बड़ा करो, प्राइमरी वाले को मिडिल स्कूल में भेज दो और मिडिल वाले को हाई में, ठीक है जी। ऐसे इसका, और इसके ऐसे थोड़ा सा एक बार आप रख के देख लो ऐसे, अगर ये थोड़ा नीचा लग रहा है तो थोड़ी मिट्टी और डाल दो, ठीक है जी। ठीक है, ये वाला रूट को डिस्टर्ब नहीं करना है ना? नहीं नहीं, रूट्स अगर आपको एक्स्ट्रा लग रही तो इसमें ठीक ही लग रहा है, है। अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा है तो, अब जैसे ग्रीन लीव्स है ना, ये आ रही रूट्स, तो सारी एक्टिव रूट्स हैं, अभी डल गया, अब इसमें ये डाल दो जी, और पूरा भर दो इसमें मिट्टी बनाया है। हाँ हाँ, इसको चारों तरफ, और रिपोर्टिंग के टाइम पे ध्यान रखना चाहिए पॉट्स हमेशा ना सेंटर में आना चाहिए। तो देखो जी, ये रैपिस पाम है। अब नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर घरों में ना ये इसके पत्ते होते जले मिलेंगे बहुत ज़्यादा, और पाम की एक खासियत है जी, पाम के जितने जो डेड लीव्स है ना जी, ये अगर नहीं काटोगे नए लीव्स आएंगे नहीं। ये देखो जी, ये सूखे पत्ते काट दो कैंची से, इसकी ट्रिमिंग कर दो अच्छी तरह, और ये देखो जी ये वाले, ठीक है जी। तो जितने सूखे पत्ते हैं वो काट दिया? हाँ, ये काट दो। अच्छा, दूसरा ये क्या करते हैं, जैसे ये वाला लीव्स देखो जी, ये वाला सूखा हुआ देखो ये, अरे माली क्या काम करेंगे, सीधा यहाँ कैंची जाएंगे हरे के ऊपर। हाँ। अब ये सूखते सूखते यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, इसको केवल ये ब्राउन पोर्शन को ही काटो, आप थोड़ा सा रहने दो इसके ऊपर, चलेगा चलेगा, पर आप इसको पूरा देखो, ये वाला देखो, ये देखो ये ख़राब लीव है, इसको काट ही दो आप जड़ से ही। अच्छा, जो हाँ नीचे स्टेप से इसकी, जब आप ये लीव्स काट दोगे बड़ी फास्ट इसकी ग्रोथ होगी जी। अच्छा, हाँ जी, थोड़ा स्ट्रेस हर तरह के पाम ट्री पर ये एप्लीकेबल है? हाँ, हर तरह के पाम ट्री पर, इसकी जो सूखी पत्तियाँ जरूर काट दो जी, डेड लीव्स वगैरह ये टहनी टूनी जो, हाँ। इसकी सफाई कर दो जी, नहीं आएंगे जी ब्रांचेस। ये देखो जी, अब ये वाली है ये, हाँ। ये भी मैं काट दूंगा, ये देखो ये। और ये देखो जी, एक ये बीमारी आती है ये वाली, चपटे वाली, हाँ, ये भी न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से आती जी, तो ये भी अगर आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट होगा तो ये आएगी नहीं। मैंने ये छांट के लाया गमला, ये अगर जैसे लोगों के घरों में तो वैसा ही गमला लेके आया जी मैं, ज़्यादातर घरों में मिलेगा गर्मियों की वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। अब जैसे नीचे के लीव्स हैं, आप काट दो, कोई दिक्कत नहीं है जी, जैसे ये सारे हैं ना ये, हाँ। ये ऐसे निकाल दो, इनको रखा मत, फटाफट नीचे से भी इसके नए लीव्स आएंगे बढ़िया। और एक बात और था कि ये जो ये इंडोर प्लांट्स होते हैं, इसे रखने का सही जगह कहाँ पर होता है? देखो जी, जब भी आप कोई भी प्लांट्स रखते हो, आप वहाँ पर खड़े होकर देखो, अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो वहीं पर पेड़ रखो। अच्छा, थोड़ी देर खड़े होकर देखो, आपको अच्छा लग रहा है तो वहाँ प्लांट्स चलेगा, हाँ। नहीं तो नहीं चलेगा। अगर आपको ने रख दिया पेड़ और वहाँ आपका दम घुट रहा है तो पेड़ का भी घुटेगा जी दम। अच्छा, तो ये है बस लेमैन की भाषा में तो यही है। और पानी देने का क्या तरीका रखेंगे इसका? अब जैसे पानी देने का यही है, किसी ने भी अपनी फास्ट ग्रोथ प्लांट्स की फास्ट ग्रोथ करनी है, जल्दी करनी है, हाँ। आप उसको ठंडे पानी का स्प्रे मारो जी, ठंडे पानी, ये आपको कहीं लिखेगा कहीं, ये मेरी अपनी खुद की ऑब्जर्वेशन है, मैंने भी कहीं पढ़ा लिखा नहीं, कुछ नहीं देखा, पर ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, आप चिल्ड वाटर का स्प्रे करते रहो और देखो जी प्लांट्स की ग्रोथ। स्प्रे मशीन में डालो, आपने जो पानी देना हो दे दो, उसके बाद पत्तों पे स्प्रे करते रहो जी, पत्तों पे स्प्रे करते रहो। हाँ जी, अब जैसे कई लोग क्या करते हैं जी, आज हमने धूप दिखानी जी, वो सबसे डेंजरस है जी। अच्छा, वो धूप दिखाना ना जी सबसे महंगा काम है। अब आप किसी को, आप उसको इंडोर रखे हुए हो और एकदम आप उसको धूप में निकालोगे तो वो बहुत गलत है, तो आप उसको मत करो जी, ये गलत है। ये देखो जी, मैंने इसके सारे सारे पेड़ ज़्यादातर ये लीव्स हटा दिए जो ख़राब थे, अब एक महीने बाद देखना इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ आएगी। बाकी जो ये है ना अरिका पाम में भी लोग बाग ऐसे करते हैं जी, वो पत्तों को नीचे तक काट देते हैं, वो गलत है जी, गलत है। हाँ जी, और इन पे माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह का स्प्रे वगैरह कर सकते हो, कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये है, ये लो जी, अब इसमें पानी दो, थैंक यू जी। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो यहाँ तक देखा है तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और फिर मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।